और 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना संसदीय सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सुर्खियों में आए बीजेपी सांसद केपी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंगावली एसडीएम ने यादव और उनके बेटे के जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए हैं। ये कार्रवाई एसडीएम द्वारा 2014 में बेटे सार्थक यादव को पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अपनी आय क्रिमिलेयर 8 लाख रूपये से कम बताने पर की गई है, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान यादव ने अपनी आय 39 लाख रुपए बताई थी। दोनों आय में अंतर होने पर मुंगावली से कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव ने इसकी शिकायत एसडीएम से की थी। जांच के बाद एसडीएम ने जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर इसका प्रतिवेदन एसडीएम को भेजा है। और हमारे साथ इसी खबर पर न्यूज रूम से सीधे एडिटर इन चीफ मनोज सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, केपी यादव का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है कांग्रेस की शिकायत के बाद में, बीजेपी की मुश्किलें किस प्रकार से बढ़ने वाली हैं? कि बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, क्योंकि एक सांसद यदि इस तरह से क्रीमी लेयर के मामले में कहीं जिम्मेदार ठहराया जाता जाति प्रमाण पत्र के मामले में, तो निश्चित है कि जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये वही केपी यादव है जिनका आप जिक्र कर रही थी, गुना संसदीय सीट से चुनाव जीता और गुना संसदीय सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट है। आज तक सिंधिया के नाम पर हार नहीं लिखी हुई थी, लेकिन केपी यादव ने उनको हराया, बाकायदा बहुत अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीता था। उसके बाद से लगातार कांग्रेस की आंखों के किरकिरी बने रहे, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के मामले में हमें लग रहा उलझ गए हैं। क्रीमी लेयर का मामला था, क्रीमी लेयर जो होती है जिसका आप जिक्र कर रही थी कि 8 लाख के कम होना चाहिए, तो उन्होंने 7 लाख अपने बेटे की जो आय है, आमदनी है परिवार की, वो दिखाई और उसका लाभ पिछड़ा वर्ग में उनको दिलाया गया। लेकिन दूसरी तरफ जब लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा तो 39 लाख अपनी कुल मिला के आमदनी दिखाई है, जो सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है, तो यही सवाल एक खड़ा हुआ। और उसके बाद ब्रजेंद्र जो कि विधायक है, उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया और इसको लेकर एक एसडीएम के सामने उनकी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में जब मुंगावली एसडीएम ने जांच की तो ये पाया गया कि क्रीमी लेयर का गलत तरीके से फायदा लिया गया, दोनों के प्रमाण पत्र निरस्त किए गए। लेकिन निरस्त किए जाने के बाद यदि कानूनन तौर पर देखें तो इसमें 7 साल तक की सजा है। अब किस तरह से इसमें, चूंकि मामला संसद का है, लोकसभा का है और लोकसभा से वो सांसद है, तो ये देखना होगा किस तरह से इसमें कार्रवाई की जाती है। लेकिन यदि हम कानूनविदों से बात करें, समझने का प्रयास करें, तो मुश्किल में पड़ सकते हैं केपी यादव, और केपी यादव यदि मुश्किल में पड़ते हैं तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अच्छी खबर हो सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस की नजर इस पर रहेगी और आज जैसा हमने कहा कि साल भर सरकार को पूरा हो रहा है, ऐसे में यदि एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद घिरता हुआ नजर आए तो हमें लगता है इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। हालांकि विधानसभा की बात विधानसभा में होती है, विधायकों की बात होती है, लेकिन मामला सांसद का है पर पार्टी तो है ना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यहां यदि देखें तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा मुद्दा मिलने जा रहा है और इसको लेकर सरकार को माफ करिएगा, विपक्ष को निश्चित रूप से सरकार घेरेगी, यानी कांग्रेस के नेता घेरेंगे और एक इतना बड़ा सवाल खड़ा करने वाले हैं कि आप क्रीमी लेयर का, इतनी जिम्मेदारी से आपने चुनाव लड़ा और क्रीमी लेयर का फायदा दिलाने के लिए एक तरफ आप अपनी आय कम दिखा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जब संसद का चुनाव लड़ते हैं तो अपनी जो आय है वो 2-3 गुना बड़ी दिखा देते हैं, तो ये समझना पड़ेगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र का गलत इस्तेमाल किया गया है, क्रीमी लेयर का फायदा लेने का प्रयास किया गया है, इसी मामले को लेकर वहां के जो एसडीएम है उन्होंने उनके दोनों के जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए हैं। आगे देखना होगा क्या होता है संचिता, लेकिन अभी हाल में तो ये कहा जा सकता है कि मुश्किल में होंगे सांसद। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी सांसद केपी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है कांग्रेस की शिकायत के बाद में, उनका जाति प्रमाण निरस्त कर दिया गया है। और साथ ही आज से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तो आज भी इस मामले को सदन में उठाया जा सकता है, तो इसके चलते हंगामा होने के आसार भी है। वहीं पर अगर केपी यादव दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 7 साल तक की सजा भी हो सकती है।